उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप इस पर देख रहे हैं सिद्दीकी बर्ड्स, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फरहान, और आज हम आपको अपने बर्ड से रिलेटेड वीडियो दिखाएंगे। इसमें जैसे आज हमारे कुछ बर्ड्स हैं उनकी पेयर्स की लेंग एक लेंग जो है वो कम्प्लीट होगी, तो हम आपको दिखाएंगे कि उनको हम किस तरह प्रोसेस करते हैं, लैंग्वेज के नीचे किस तरह डलिए देते हैं। तो इन शाला चला है आज आपको उनको दिखाते हैं कि किस तरह हम अपने बर्ड्स की पोस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों आए चले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास जो कौन सा पेयर है वो और उनके हम जो एग्स हैं वो किस तरह पोस्टर करते हैं। तो चले हम आपको दिखाते हैं, ये पेयर है हमारा, ये पेयर है स्टार, ये अभी अंदर है एक, ये आ गया इसका मेल फीमेल, ये आप देख सकते हैं ये स्टार का पेयर है। ये इसकी स्टिक पे जो बैठी थी अभी ये फीमेल, अभी ये मेल दोनों सामने हैं, मेल फीमेल दोनों की हेल्प कर रही है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और इनके एग्स भी आप देख सकते हैं, एग्स आप देख सकते हैं ये 6 सेकेंड के, और इनको 8 दिन इंक्यूबेट करते हुए हो गए। अब ये हम 8 दिन के बाद जो है इनको पोस्ट कर रहे हैं। हम इनको आराम से इस तरह उठा के रखते हैं, एक किसी भी पॉट के अंदर आपने दाना या बुरादा कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे एग जो है वो डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। अब हम इनके एग्स निकालने के बाद हम इनको देंगे डमी एग्स, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देते हैं। चले हम इनको पोस्टर करें, हमारे पास पोस्टिंग के लिए ये डैमेज यहाँ पे है। अब हम इनको आपके सामने मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको जब ये बैंगलिस अगर कभी खुद एग्स भी देती हैं तो आपको इजीली पता होता है कि आपने जो एग्स रखे हैं वो कौन से हैं जो पोस्टिंग के रखे हैं, फिर आप इजीली बैंगलिस के एग्स होते हैं वो अपने वो वहाँ से हटाने में आपको आसानी रहती है। ये हमने हल्का हल्का इनको मार्किंग कर दी। अब हम आपको दिखाते हैं अपनी बैंगलीस, तो अब आपको दिखाते हैं ये बैंगलीस, देखें ये बैंगलीस अंदर बैठी हुई थी और ये डमी एग्स रखे हुए थे हमने बैंगलीस के नीचे ताकि ये इनको इनक्यूबेट करते रहे। अब ये हम इनके डमी एग्स निकाल लेते हैं, और ये डमी एग्स निकालने के बाद जो हमने स्टार करके एग सभी आपके सामने निकाले ये हम इनको यहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ये हमने बैंगलिस के नीचे अपने ये जो ब्रीडिंग पेयर था स्टार का उसके ये 6 एग हमने यहाँ पे रख दिए इस तरह, ये बैंगलिस आप देख सकते हैं। ये देखें ये हमारी ये बैंगलिस हैं जिनके हमने नीचे अभी स्टार के एग्स हैं वो पोस्टर किए हैं, ये 3 बैंगलिस हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे भी, ये देखें ये माशाल्लाह हमारी ये बैंगलिस हैं वो फिर पोस्टर करती हैं। इसमें 2 मेल हैं 1 फीमेल है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने इनके एग्स को पोस्टर किया है और जो आपके सामने हमने अभी स्टार करके 6 एग मूव कर दिया अपने बैंगलिस के नीचे और हम स्टार करके नीचे जो है ये डमी एग्स होता है, ये डमी एग्स हम स्टार कर को दे देंगे ताकि ये अभी अपनी एग्स लेंगे दोबारा स्टार्ट ना करें, इस तरह इनकी हेल्थ भी अच्छी सही रहती है और हम स्टार्ट नहीं करते लेंगे। तो ये आप लोग इनको डमी एग्स यहाँ पर दे दिए, ये देखें आप हम दोस्तों दूसरा पेयर देखेंगे अपना ब्रीडर पेयर कि किसकी हमारी जो लेइंग है वो मतलब जैसे उनको 8 दिन हो चुके हैं इनक्यूबेट करते हुए, फिर हम उनके भी पोस्टर करते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और तो दोस्तों अभी हम आपको दूसरे ब्रीडर पेयर के अपने 7 पेयर का पेयर है,
इसकी भी हमारे एक्स लेंगे वो 6x आप ये देख सकते हैं। ये अभी बॉक्स के अंदर है, ये अभी बाहर नहीं निकले, ये दोनों बाहर आ गए। ये देखें आप, ये हमारे शॉपे ने ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर इनके एग्स हैं 6x और इनको आज 8 दिन हो गए इनक्यूबेट करते हुए। अब हम इनको पोस्टा करेंगे अपनी बैंगल्स के नीचे, चलें आपको वो भी दिखाते हैं। हमने इनके 6x में ये हमने इनका बॉक्स कॉर्क से लगा दिया और अब हम इनके भी मार्किंग कर देंगे ताकि हमें ये याद रहे। इससे फ़ायदा ये होता है मार्किंग करने से कि आपको पता होता है कि आपने जो एक्स रखे थे पोस्टिंग के लिए वो कौन से थे, क्योंकि बैंक लिस्ट से अपने एक्स दे देती हैं तो आपको फिर वो हटाने में आसानी देती है। ये बैंगलिस हैं, ये डमी एक्स को पोस्टर कर रही हैं, अभी वो डमी एक्स रखे हैं इनके नीचे और ये इनको इंक्यूबेट कर रही हैं। आपको नीचे डमी एक्स दिख रहे हैं। अब हम ये वाले डमी एक्स जो हैं ये यहाँ से हटा देंगे। ये देखें, ये वॉर्म भी हो रहे हैं, ये इंक्यूबेट इनको प्रॉपर कर दिया। अब हम अपने जो रियल एक्स हैं वो रख देते हैं। ये देखें, हमने इनके अंदर अभी ये शार्प टेल के जो एक्स है 6x ये यहाँ रख दिए, ये हमने बॉक्स को बंद कर दिया। अभी हमने ये शाफ्टल पेड़ के से जो एक्स हमने दी इसके बाद से हटाएं, इनमें हम ये डमी एक्स हैं ये हम रख रहे हैं ताकि ये अपनी एगलिंग अभी स्टार्ट ना करें। इस तरह इनको रेस्ट भी मिल जाता है और इनकी हेल्थ भी सही रहती है। ये देख सकते हैं, हमने इनको डमी एक्स रख दिए और ये हमने बॉक्स वॉक्स भी लगा दिया। यहाँ हम अपने पास मोड भी डाल देते हैं, तो अभी हम इनके ऊपर नोट भी डाल देते कि हमने आज 8 अप्रैल को उसको अभी हमने यहाँ आपके सामने चार से इनके 6x मोड किए थे बैंगल्स के नीचे और अब आप उनको देख सकते हैं कि ये इनको इंक्यूबेट कर रही है। ये देखें, ये इंक्यूबेट कर रही है, ये आप देख सकते हैं। आज आपने देखा कि जिस तरह हमने अपने दो एक्स में वो मूव किए की पोस्टिंग के लिए और हमने उनको डमी इस तरह दिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इन सारा ज़्यादा हम आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो अपने नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इन सारा ज़्यादा वो भी आप देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो